नमस्कार, सेवराई न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाला। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज समूचा हिंदुस्तान कविता तिवारी को जानता है, जो वीर रस की एक ऐसी कवित्री है जो पूरे हिंदुस्तान में जोश जगा देती है। कविता तिवारी जी, आज मध्य प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो शौर्य की धरा है और इसके कण कण में चंबल की शक्ति है, चंबल का बल है। तो मैं ऐसी धरती को बहुत प्रणाम करती हूँ। अनेकों शीर शूर वीरों ने अपने बलिदान से इस माटी की स्मिता की रक्षा की है। तो ऐसी माटी पर आकर हम अपनी कविता के साथ जब आते हैं, खासकर वीर रस की कविताओं के साथ, तो ऐसा लगता है हम अपनी कविता को तीव्र करा रहे हैं। तो कहीं अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में आप कविता भी उन देश के जवानों के लिए कारतस्व होती है जो सीमा पर लड़ती है देश के लिए। मेरी हर कविता की हर पंक्ति उस हर व्यक्ति को समर्पित है जो देश की सेवा में लगा है, चाहे वो देश का जवान हो, चाहे वो देश का किसान हो। हर वर्ग अपने अपनी स्थिति में रहकर देश की सेवा कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो और विशेष रूप से सीमा पर तैनात जवानों के लिए मेरी कविताएं समर्पित होती हैं, और इस देश पर हुए बलिदान जो शहीद हैं उन पर मेरी कविताएं केंद्रित होती हैं। उनको प्रणाम करती हूँ, मेरी कविताओं की पंक्तियाँ होती हैं। कविता तिवारी जी, जब आपने करियर की शुरुआत की, देश को ऐसा लगा कि आपको ऐसा लगा कि देश को आपकी ज़रूरत है आपकी कविताओं की, तो वो पहली कविता कौन सी थी जिसके बाद आप पूरे देश में चर्चित आपकी कविता बनी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अभी मैं देश में चर्चित हुई हूँ। और देश को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे देश की बहुत ज़रूरत है। बस यही भावना लेकर मैंने हर पंक्ति रची है। एक कविता जो मुझे लगता है जो बहुत लोगों तक पहुँची, जबकि वो कविता बहुत क्लिष्ट है, हिंदी बहुत उसकी परिपक्व है, बहुत कठिन मानी जाती है, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, हे ईश्वर मालिक हे दाता, वो बहुत लोगों तक पहुंची भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश को समर्पित हर पंक्ति मेरे लिए पूजा है, मेरे लिए भक्ति है, और वही मेरे लिए शक्ति है। तो विशेष रूप से इस कविता ने मुझे प्रतिष्ठा दिलाई और लोगों तक पहुंचाया। बाकी बेटियों पर केंद्रित रचनाओं ने मुझे बहुत लोगों के घरों तक पहुंचाया, लाड़ प्यार मिला मुझे। लेकिन इस जब तक सूरज चंदा चमके ने मुझे सम्मान दिलाया, तो मेरे लिए ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धरती पर खड़ी हूँ तो एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक कविता जिसने मुझे प्रसिद्धि नहीं लेकिन सिद्धि दी, वो रानी लक्ष्मीबाई पर केंद्रित कविता है। और कल उनका बलिदान दिवस भी है। मैं वो जहाँ कहीं भी हूँ, सूक्ष्म रूप में मुझे लगता है हर नारी में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति होती है, खासकर भारतीय नारी। तो उस पर भी मेरी कविताएं हैं और उसने भी मुझे बहुत सम्मान दिलाया। कविता की लाइन बढ़ाना चाहिए दर्शकों के साथ। देश के जवानों को समर्पित तमाम रचनाएं मैं पढ़ती हूँ। मैं एक संदेश दे सकती हूँ, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, जिसके हाथ में भारत की तकदीर है, जिसके हाथ में भारत का भविष्य है, वो यदि सही मार्ग पर चले, उसके नायक यदि सही हो जाएं, तो मुझे लगता है देश फिर से सोने की चिड़िया बनने की एक की ओर कदम बढ़ाएगा। और सोने की चिड़िया हम बन सकते हैं, और हमारी किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं है। देखिए, जो हम प्रतिस्पर्धा के बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की अस्मिता और उसके प्रति सम्मान की भावना हर युवा में हो, बस यही कामना करते हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे बीच में हिंदुस्तान की कवित्री कविता तिवारी, जो आज लाहौर में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी की अगुवाई में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पहुंची है। देखते रहिए सेवराई न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार।